एक गोली, एक टारगेट, एक पल का वक्त, पूरी टीम को कमांड लीड कर रहे हैं वो अक्षय हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है किस तरह से उनको बुलाया जा रहा है और एक एक एक्शन लिया जा रहा है। और दुश्मन ढेर, एक एक करके ऐसे ही सारे टारगेट हासिल कर लिए जाते हैं, मगर गोली चलने और आतंकी को मार गिराने के बीच का जो वक्त होता है वो धड़कने बढ़ा देता है, क्योंकि हर टारगेट के लिए सिर्फ एक मौका मिलता है और एक ही गोली। बेहद खतरनाक ऑपरेशंस के दौरान दूसरी गोली का मतलब है अपनी ही मौत। दरअसल स्वाट टीम के कमांडोज को आतंकी हमलों से निपटने के लिए कई तरह की फायर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें तीन खास टारगेट दिए जाते हैं। स्वाट टीम सिंगल शॉट, मिनिएचर और रूबीना टारगेट के तहत फायरिंग करती है। सिंगल शॉट का मतलब है आतंकवादी को एक ही गोली में ढेर करना। मिनिएचर का मतलब होता है एक बार में स्पेशल हथियार से दो गोली चलाकर आतंकी को मार गिराना। और तीसरा है रूबीना। रूबीना के तहत लड़की को बंधक बनाकर आगे करने वाले आतंकी के माथे पर गोली मारना। रूबीना टारगेट का ये डेमो देखिए। एक आतंकवादी का पुतला है जिसने अपनी जान बचाने के लिए लड़की को सामने कर दिया है। अब स्वाट के जवानों का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि वो लड़की को बिना नुकसान पहुंचाए आतंकी को मार गिराए। निशाना लगाया जाता है, सामने टारगेट है आतंकवादी और उसके कब्जे में एक लड़की है। स्वाट के जांबाज निशाना लगाते हैं, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर दबती हैं और गोली चल जाती है। निशाना कामयाब रहा, आतंकी ढेर हो गया। यही है स्वाट टीम का सबसे तेज तर्रार और बेमिसाल अंदाज। ये आप जो देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट है कमांडो के लिए। जब भी किसी ऑपरेशन पर कमांडो जाता है तो बुलेट प्रूफ का ले जाना मैंडेटरी होता है, ताकि उसकी सुरक्षा खुद की इंश्योर की जा सके। और इस बुलेट प्रूफ जैकेट पर जब तक बहुत सारे बुलेट एक जगह नहीं हिट होंगे तब तक मेरे कमांडो को कोई नुकसान नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के जांबाज हर लिहाज से बेहद खास हैं और इनकी ताकत को दुगुना कर देते हैं इनके स्पेशल हथियार। स्वाट टीम के पास सबसे आधुनिक हथियार है AK-47, 9mm पिस्टल और डबल फायर करने वाली बंदूकें। इसके अलावा इसराइल की कॉर्नर शॉटगन, लेजर बीम से लैस राइफल से भी जवान प्रैक्टिस करते हैं। स्वाट टीम का हर जवान रोजाना 30 राउंड फायर करता है। ये AK-47 राइफल है, इसमें तीन स्लैब हैं। नंबर एक पर अगर हम करेंगे तो एक बुलेट जाएगा, अगर सिंगल शॉट बोलते हैं उसको, अगर रैपिड पर करेंगे तो दो बुलेट एट ए टाइम जाएंगे, तीन भी जा सकते हैं। मगर इसको अगर हम ऑटोमेटिक पर कर देंगे तो पूरा मैगजीन ब्रस्ट मार के खाली हो जाएगा। ब्रस्ट तब होता है जब काफ़ी उग्रवादी एक ही जगह पर इकट्ठा हो, ब्रस्ट का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। अदरवाइज हम सिंगल शॉट और रैपिड से ही फायरिंग करते हैं। और इसकी इन कमांडोज को इतनी ज़बरदस्त फायरिंग की प्रैक्टिस करवा दी जाती है कि वन एनिमी वन बुलेट, एक भी बुलेट बेकार नहीं जाएगा, असली कमांडो वो होता है। और इसके लिए वो पूरे जज्बे के साथ अपनी ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह से तैयार होकर फील्ड में तब उतरता है। दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन के लिए इन जांबाजों को बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ऐसी ट्रेनिंग जो सिर्फ पसीने ही नहीं छुड़ाती बल्कि होश भी उड़ा देती। आप देख सकते हैं स्पेशल सेल के जवान टारगेट्स जो है अपने लगाने में लग गए हैं। सबके हाथ में राइफल्स हैं और तीन तरह के टारगेट्स हैं। पहला टारगेट है फिगर 11, दूसरा है मिनिएचर और तीसरा है रूबिया। आप देख सकते हैं फायर पीछे से मेरे होगी और उसके बाद ये अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फायर हो रही है, टोटल यहीं से फायर जो तीनों टारगेट्स हैं, चाहे वो फिगर 11 हो, चाहे रूबिया हो, चाहे मिनिएचर हो, वो कर रहे हैं। दरअसल सेल के 30 राउंड जो फायर हैं वो डेली करते हैं ताकि प्रैक्टिस है वो बरकरार रहे। और आप देख सकते हैं इस वक्त भी जवान जो इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जो उनकी प्रैक्टिस है वो बरकरार रहे।